सुनयौ कौ बिरलाल परती देखा राजा प्रथम अपनी माँ के लाल थे लज्जा बनी जो मौसी थी उसके पुत्र जौरा भौरा दो थे से जन्म लिया था को नहीं देखा है पूछते हैं मेरे भाई कहाँ गए अब हम जइबो ये हमारे भाई रोशनलाल राम बकश ये दोनों भाई कशियापुर के निवासी 10 रुपया का 50 के नोट में पुरस्कार करते हैं।
पिताजी ये मुझे एक बात आप बताइए, देश नरबर में, भैया जरा इसको रुकना, देश नरबर में पड़ते मुझे पगला भाई दिखाई पड़ता है, क्या बात है पिताजी, जो मैंने भाई मेरे भाइयों को कहां आपने भेज दिया। यानी जोरा भोरा के विषय में आप पूछना चाहते हो? नहीं मैं व्याकुल हूँ। सुनो, मेरे भाई थे, मैं आप तीनों भाई और चौथा पगला भाई साथ में खेलते कूदते थे। जोरा भोरा तो मैंने कहाँ भेजा है? कहाँ के लिए भेजा है पिताजी? मैं समझाता हूँ, अब समझा प्रेम से सुनिए। सुनो प्रेम कुमार, मैंने देश नरबर धाम में एक सागर ताल खुदवाया है। प्रथम चंद, मैंने एक सागर ताल खुदवाया नरबर धाम में, मेरी सारी प्रजा प्यासों से व्याकुल हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा एक सागर ताल खुदवा दूं जिससे मेरी प्रजा को किसी दुखी न हुई। तो मैंने प्यारे दोस्तों 60 फुट की गहराई और 60 फुट की चौड़ाई से खुदवाया, मगर उसे पानी नहीं निकला, तो मैंने बड़े बड़े दूर के ज्ञानी पंडित महाराज लोग बुलवाए। तो प्यारे दोस्तों, किसी पंडित महाराज ने आए ये नहीं पता पाया पानी कैसे निकलेगा। अंता गंगाधर ज्ञानी पंडित महाराज कहने लगे कि इसमें 60 फुट गहरा और चौड़ाई खुदवा जरूर ली है, पानी जब ही निकलेगा जो कोई जोड़ा हंसों का लेकर के हंसमगढ़ से आकर के छोड़ेगा तभी पानी निकलेगा। सुनो, ये ज्ञानी जी ने बताया था, ये गंगाधर पंडित महाराज ने। सुनो पिताजी, मेरी बात सुनो, जोड़ा लाएगा